डॉग्स दुनिया के सबसे वफादार जानवर होते हैं। कुत्ते अपने मालिक की मुसीबत, उस पर आया घात भी अपने खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर ले लेते हैं। ऐसे उदाहरण हमने बहुत बार सुने हैं और सच भी हैं। कुत्ते को एक बार खाना देकर देखिए, वह आपसे कितना अपनापन, कृतज्ञता व्यक्त करता है। जबकि आप किसी और जानवर को खाना दीजिए, वह कुत्तों की जितनी समझदारी या प्यार नहीं दे सकते। इसलिए तो कुत्तों को पाला जाता है, कुत्तों से सबसे अधिक प्यार करते हैं हम सभी। परंतु रात में कुत्तों के रोने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं। जैसे हमारे समाज में प्राचीन काल से ही मान्यता है कि कुत्ते रात को रोते हैं तो कुछ अपशकुन होता है, इसलिए घर के बाहर रात में कुत्ता रोता है तो उसे भगा दिया जाता है। इसके साथ ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि कुत्तों को रात को आत्माएं दिखाई देती है, वह लोग दिखाई देते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कुत्ते रात को रोते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्तों को पितर व देवता दिखाई देते हैं, इसलिए कुत्ते रात को जोर जोर से बोलते हैं या रोते हैं। अब इन सभी तर्कों मान्यताओं के पीछे कितना सत्य है, ये तो आप स्वयं अपने अनुभव व समझ से पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स ला सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। पर आइए जानते हैं वैज्ञानिकों का क्या मानना है कुत्तों के रात को रोने का। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में कुत्ते रात को रोते नहीं हैं, वह तो ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे वह अपने दूसरे साथियों तक संदेश भेज सके कि वो वहाँ पर हैं। या फिर कुत्ता जब दर्द तकलीफ में होता है, भूखा होता है, तब भी वह रोने जैसी आवाज निकालता है। और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कुत्तों को अकेला रहना पसंद नहीं होता, इसलिए कुत्ते रात में रोते हैं या रोने जैसी आवाज निकालते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने होल नाम दिया है। तो अब अगर आपको रात में कुत्ता रोता हुआ दिखे तो उसकी यथासंभव मदद कीजिएगा। और अगर आपने घर पर डॉग पाल रखा है तो उसे अकेला नहीं छोड़िएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।